नटवर। मेरी चादर मत हटाओ, मेरा मेरा पूरा बदन जला हुआ है। कौन हो तुम? मैं एक चोर। मुझे यहां क्यों बुलाया था? नटवर, मुझे धोखा दिया गया है। मुझसे काम करवा कर टाइम बॉम्ब के जरिए मुझे मारने की कोशिश की गई, उसी से मैं जल गया। तो रोते क्यों? इस धंधे में कदम रखने से पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर चोर अपनी मौत मरता नहीं, मारा जाता है। लेकिन नटवर, तुम भी तो एक चोर हो। हाँ, लेकिन मुझे अपना अंजाम मालूम है। अव्वल तो मैं ऐसा वक्त आने दूंगा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो नटवर की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मैं जानता हूं तुम बहादुर हो नटवर, इसीलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। एक बहुत ही कीमती हार सेठ फकीर चंद की तिजोरी में रखा हुआ है, उसे चुरा कर 10 तारीख तक वो हार चंदनपुर की सरहद पर पहुंचाने का काम मुझे सौंपा गया था। लेकिन इस हालत में वो हार चुरा कर चंदनपुर की सरहद पर मैं 10 तारीख तक नहीं पहुंचा सकता। तो मेरा काम कर दो, किसी भी तरह वो हार चुरा कर चंदनपुर की सरहद पर पहुंचा दो। अगर अगर वो हार 10 तारीख तक चंदनपुर की सरहद तक नहीं पहुंचा, वो आदमी इतना खतरनाक है कि मुझे कहीं से भी ढूंढ कर जान से मार देगा। बस तो मेरा काम कर दो। तुम गलत दरवाजा खटखटा रहे हो। नटवर ने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए कोई काम नहीं किया। नटवर, नटवर, मैं मुसीबत में हूं, मेरी मदद कर दो। हाँ, कर दो। तुम्हारी हालत देख के रहम आ रहा है, ये लो, भूखे नहीं मरोगे। नटवर, नटवर, मुझे पैसे की नहीं, मुझे तुम्हारे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। नटवर, नटवर, ठीक है, मैं अपने हाथों मरना पसंद करूंगा बजाय विक्रम सिंह के हाथों मरने के। रुक जाओ, रुक जाओ। विक्रम? कौन विक्रम? कौन विक्रम? विक्रम एक खतरनाक होनी। वो जो मिकी के साथ? हाँ वही, लेकिन मिकी मर चुका है और विक्रम। जानता हूं भैया, मैंने आपको बहुत दुख दिए, बहुत दुख दिए मैंने आपको, लेकिन आज मैं जिंदगी की वो जंग लड़ने जा रहा हूं जिसका मैं 20 साल से इंतजार कर रहा था। उस शैतान से टकराने जा रहा हूं जिसने मुझको आपसे और ईमानदारी और सच्चाई को मुझसे छीन लिया था। वही वही जंग लड़ने जा रहा हूं। अगर कामयाब हुआ तो लौट आऊंगा सच्चाई और ईमानदारी के साथ, वही पुराना नटवर बनकर, आपका नटवर बनकर। तो नटवर मेरे जाल में आ ही गया। तुम एक काम करो, तुम चंदनपुर से दूर खड़े रहकर उस सरहद पर उन दोनों पे नजर रखना। वो दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो मौके की तलाश में रहना और मौका मिलता ही मैं फौरन खबर कर देना, हम दोनों को खत्म कर देंगे। जाओ। ओके सर। न नटवर रहेगा न विक्रम, सिर्फ मिकी रहेगा, मिकी। और वो हीरे की काने मेरी होंगी, सिर्फ मेरी होंगी। सेठ, तुम अभी से अपने सारे आदमियों को जमा करना शुरू कर दो। इतनी नफरत? अब से 20 साल पहले अंडरवर्ल्ड में आप दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी,
अब ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे तब्दील हो गई? लालच में आकर, सिर्फ लालच में, आज से 20 साल पहले जब हम दोनों हिंदुस्तान छोड़कर भागे थे तो विक्रम कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज था। उस वक्त सिर्फ मैंने उसकी मदद की थी, सिर्फ मैंने। और जब उसके पास दौलत आ गई तो जानते उसने इस दोस्ती का मुझे क्या सिला दिया? उसने मुझे उसका ये बता दिया कि ये कहने की साहब सेठ, यही वो निशान है जो चंदनपुर के एक एक आदमी की पीठ पर तुम्हें मिलेगा। उस सारे इलाके में उस कमबख्त ने शेर की दहशत फैलाकर वहां के हर आदमी को अपना गुलाम बना रखा है। शाबाश, इसी तरह दो दो तीन तीन आदमी यहां लेते आओ, आहिस्ता आहिस्ता सारा गांव यहां जमा हो जाएगा। दुर्जन, इन्हें ले जाओ, काम पे लगा दो। सरदार, अगर आप हुक्म दें तो अभी सारा का सारा गांव उठा के ले आए। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। अगर तुम सारे का सारा गांव उठा के यहां ले आओगे तो बीएसएफ वाले उनकी तलाश में आएंगे। इसी तरह दो दो तीन तीन आदमी उठा के लेते आओ, गांव वाले समझेंगे उन्हें शेर खा गया। इसकी पीठ पर मेरा निशान लगा दो, मेरे गुलामों में शामिल कर लो इसे। चल ना। चल, नहीं जा। नहीं जाऊंगी मैं, कैसे नहीं जाएगी? जा, अपने प्रेम की बातें कर, जा ना। अभी तक तो नाम पूछा जा रहा था, अब तलाशी पे भी उतर आए। बेटा नट्टू, ये विक्रम आसपास तो नहीं है कहीं? आइए, कुछ काम है? मैं आपका कमरा ठीक कर दूं? हाँ, नहीं देखिए, मेरा कमरा वमरा ठीक मत कीजिए, इस समय जरा मेरा दिमाग खराब है। दिमाग ठीक कर दूं? क्या मेरा मतलब है सर दबा दूं? नहीं नहीं, मैं अपना हाथ पैर सर गला खुद ही दबा लेता हूं। तुम जाओ से, चलो। अरे जाओ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा, क्या मतलब? सारे गांव ने तो कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? यही कि मैं आपकी दासी हूँ। दासी? अब तो मेरी जिंदगी आप ही के चरणों में। अरे रे, क्या बक रही हो? ए, खड़ी हो, खड़ी हो। कहीं तो वो गाने की वजह से तो? देख भाई, वो तो तुम्हारा त्योहार समझ के मैं तुम्हारे साथ नाच गा रहा था, कहीं उल्टा सीधा मत समझना। हाँ चलो भागो, चलो भागो। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहो, मैं तो। अरे आप, तू तो गले ही पड़ती जा रही। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे चक्कर में कभी मत पड़ना। मैं आजाद पंछी हूँ, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। मेरे चक्कर में पड़ेगी तो जिंदगी भर रोएगी। ना मेरे चरणों में जगह है और ना ही मुझे किसी दासी की जरूरत है। चल भाग, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ तो जाओ, जान दे दो। यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो भागो। जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। आया तो कुछ करने, कुछ और ही चक्कर में फंस गया। माफ कीजिएगा भाई साहब, मैं आपकी तरह नहीं हूं। जी हाँ, कि गोपियों की लाइन लगी हुई है, बांसुरी बज रही है और गोपियां नाच रही हैं। मैं लड़कियों को नहीं नचाता, मैं तो दुनिया को नचाता हूं अपनी उंगलियों पे। जी जान दे दूंगी, पता नहीं कहां से जान दे दूंगी। भाई नट्टू, ये बड़े बेवकूफ लोग हैं, कहीं सचमुच जान तो नहीं दे देगी? ए दीदी, कहाँ जा रही हो? जान देने। हाय अल्लाह, जान देने। क्या हुआ? हुआ क्या? वो मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने कहा मैं तुम्हारी दासी, कहने का मुझे कोई दासी वासी नहीं चाहिए। मैंने कहा मेरी जिंदगी तुम्हारी है, कहने के मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए, जा जाके जान दे दे। रज्जू, मैं जान देने जा रही हूँ, तुम मुझे मत रोकना। तेरी की। उसने कहा जान दे दे और तुम जान देने जा रही हो? हाँ तो और क्या करो? ये भी मैं बताऊँ, मुझे तो गुल के वक्त बड़ी पट्टी पढ़ाती थी कि अगर औरत का प्यार सच्चा हो
तो पत्थर को मोम बनाता है, मोम को पानी, और अब तुम्हारी बारी आई तो ना पत्थर है ना मोम है ना पानी, खाम खा तुम्हारे इस चक्कर में मेरा मटका टूट गया। हाँ, यहाँ मेरा दिल टूट गया, उसकी कोई फिक्र नहीं, मटका टूट गया उसकी फिक्र है। दिल वेल नहीं टूटा, वो तुमसे प्यार करते हैं। कोई प्यार वर नहीं करता। कोई प्यार नहीं करता? नहीं। ये देखो वो आ रहा है। तुम छुप जाओ, फिर तमाशा देखो, छुप जाओ ना, जाओ। तूने शन्नो को तो नहीं देखा? क्या हुआ, क्या बात है? शन्नो है ना? हाँ। वो वहाँ से है ना? हाँ। कूद गई है। क्या? हाँ, और है ना? हाँ। अब तक उसे चील कौवे भी खा चुके होंगे। क्या बक रही है? हाँ, हाँ, यकीन नहीं आता है ना, जाके देख लो। ए, शन्नो! शन्नो! उस वक्त मैंने तुझसे मजाक किया था, लेकिन अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं वो आजाद पंछी हूं जो एक डाल पर कभी नहीं बैठता। मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं उन लोगों में से हूं जिनके दिल में न प्रेम होता है, न प्यार, न मोहब्बत, कुछ भी नहीं। मत देख मेरे लिए कोई सपने, बनने से पहले ही टूट जाएंगे। मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। पछताएगी, दुख उठाएगी और तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही गलत समझ रही थी। अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। तो घर की तलाशी में कुछ नहीं मिला? साठ साल पहले इस बस्ती में एक फकीर बाबा आए थे मसीहा बनकर। लगता है वो मसीहा फिर से लौट आया। बाबू, तुम इस बस्ती के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आए हो। तुमने मेरी बच्ची नहीं, मेरी जिंदगी बचाई है बाबू।